तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आ चुके हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ वापस। और जानता हूँ ये व्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है, लेकिन क्या करें, कुछ कंटेंट था ही नहीं व्लॉग में, तो मैंने अपलोड ही नहीं किए व्लॉग्स। तो अभी देख सकते हो सामने आपको गन्ने दिख ही रहे होंगे और आपने टाइटल थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि ये व्लॉग किसके ऊपर रहने वाला है। तो हाँ, अभी गन्ने का जूस लेने आए हैं हम यहाँ पर। और मुझे कॉल आती है कि भाई फटाफट से नींबू और बर्फ़ लेके आ जाए, यहाँ पर गन्ने का जूस निकालना है। तो मैं भी भाई फटाफट भागा भागा आ गया और फिर मुझे पता चला कि भाई व्लॉग भी तो बनाते हैं इसका। देख सकते हो यहाँ पे अटैच किया हुआ है मशीन। आपके उधर क्या बोलते हैं, हमारे इधर तो इसे सिसोड़ा बोलते हैं। देख सकते हो यहाँ पे बिजली के पोल के साथ अटैच किया और मौसम भी देख सकते हो 6:30 बज रहे हैं और क्या ही प्यारा मौसम हो रहा है। ज़्यादा गर्मी भी नहीं और ठंडी भी नहीं है, तो एकदम परफेक्ट माहौल है। और इसमें भी भाई बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है मशीन चलाने में भी। एक तो आती है ऑटोमेटिक, जो कि सीधा मशीन के साथ ही अटैच होती है, इसको भाई हाथों से चलाना पड़ता है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हो यहाँ पे गन्ने का जूस निकलना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो। और नीचे बर्तन वगैरह रखा हुआ है हमने। अभी तो इतना ज़्यादा नहीं निकलेगा, दूसरी और तीसरी बार जब ये गन्ना जाएगा मशीन के अंदर तब ज़्यादा निकलेगा, वो रोब में आपको मैं दिखाऊँगा। और छींटे बहुत ज़्यादा उड़ रही है इसमें। और ये बिजली के पोल भाई सही अटैच कर दिया, मैं तो देख के हैरान हो गया, मैंने कहा ये क्या जुगाड़ है। वही देख सकते हो, अभी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले तो ये एक तो पतली सी है ये गन्ना वगैरह, अभी इसमें डबल ये किया हुआ है। देख सकते हो अभी थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन जब तीसरी या चौथी बार निकलेगा तब तो इतनी ज़्यादा मेहनत लगेगी। अभी गिलास और नींबू लेके मैं चलता हूँ यहाँ पे, कि भाई नींबू भी डालने रहते हैं इसमें का स्वाद कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है। देख सकते हो अभी इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, देख सकते हो घूम ही नहीं रहा मशीन भी। इलेक्ट्रिक में भी यही दिक्कत है, अगर ये कुछ ज़्यादा ही गन्ने आ जाते हैं तो हाथों से भी थोड़ी ये करनी पड़ती है सपोर्ट से कि मशीन अच्छे से चले। देख सकते हो अभी दो जने मिल के घुमा रहे तब जाके निकला ये गन्ना, इतनी मेहनत है। तो अभी देख सकते हो फाइनली अपना जूस निकल चुका है गन्ने का। इसको अभी छान लेते हैं अच्छे से ताकि इसमें से कचरा वगैरह अलग हो जाए। और देख सकते हो ग्लास भर के हम तो हो चुके हैं रेडी। तो इसको फटाफट से टेस्ट करते हैं और आपको रिव्यू भी देते हैं। तो भाई गन्ने का जूस तो बहुत ही अच्छा ही था, उसमें तो कहने की नो डाउट ज़रूरत ही नहीं है। और अभी देख सकते हो ये अपन बर्तन भर रहे हैं। आपके इधर इसे क्या बोलते हैं, हमारे इधर बर्नी बोलते इसे। इतना ही भरते हैं और अब फटाफट से निकलते हैं घर की तरफ। यहाँ पे काम हो चुका है तो ये गन्ने का जूस घर के लिए है। अभी देख सकते हो यहाँ पे मौसम, पहले सूरज दिख रहा था लेकिन अभी आपको सूरज नहीं दिखेगा क्योंकि ढल चुका है सूरज, देख सकते हो। तो अभी फटाफट से निकलते हैं घर की तरफ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग में किसके ऊपर बनाऊँ या कुछ चैलेंज वगैरह लूँ आप लोग मुझे सजेस्ट करो थोड़ा, वरना ऐसे ही भाई 3-4 महीने में व्लॉग आते रहेंगे, क्या ही करूं फिर मैं। तो हाँ, फटाफट से चलते हैं घर की तरफ और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखें।